नाम मनीष यादव है, सिरसिया ठकुराई लोहरतलिया, घर है थाना कर्मा है, और मेरे माँ की इलाज के लिए पवित्र मौर्या रावस्टगंज हॉस्पिटल पंचशील में ले आए, घर जाकर उसके बाद ऑपरेशन के लापरवाही से नस कट गई। नस कटने के बाद थका ब्लड जम गया और इनके ही हॉस्पिटल में मेरी माँ की मौत हो गई। मौत होने के कारण जबरियन वाराणसी के लिए अपने गाड़ी से ही अथू ले गए थे। ले जाने के बाद माँ की अथू दबंगई के साथ लाश को जलवा दिए और हम लोगों से 30,000 रुपये में बात हुई थी पैसे ऑपरेशन करने के लिए। धीरे धीरे वो 80,000 रुपया ले लिए। 80,000 रुपया लेने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ और थाने में हम FIR दर्ज कराने के लिए जा रहे थे, तब पर भी थाने वाले आज 6 दिन हो गया कोई सुनवाई नहीं की। कोई दबाव आप पर बना रहा है कि FIR मत करवाओ, या कोई दबाव बना रहा है कि आप FIR मत करवाओ? इस दबाव के कारण कौन कर रहा है? कुछ लोग पवित्र मौर्या और कुछ लोग रावस्टगंज के मार्केट के नेताओं लोग, दबंग लोग, यही लोग। तो आज 6 दिन हो गया आपकी माँ को मरे हुए, तो आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? 6 दिन हो गया माँ के मरते हुए, तो हॉस्पिटल का जांच हो और कागज पूरा जब्त कर लिए हैं, वो कागज भी नहीं दे रहे हैं। और आप मतलब जबरिया लाश को किसने जलवा दिया? पवित्र मौर्या ने जबरिया लाश को जलवा दिया। आप इतना डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं मनीष जी? क्योंकि पवित्र मौर्या को धमकाने चमकाने की वजह से हम इतना डरे हुए हैं, इसीलिए हमारा आवाज़ अच्छे से नहीं निकल रही है। और थाने पर जाकर वो कुछ कह दिया है थाने पे, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद पवित्र मौर्या की जांच हो। आप क्या चाहते हैं कि आपकी मतलब आप यह मानते हैं कि आपकी माँ की मौत का जिम्मेदार पवित्र मौर्या है? हाँ, हमारे मौत की माँ की मौत की जिम्मेदार पवित्र मौर्या है। और आप यह दावे के साथ कह रहे हैं कि आपकी माँ की लाश को उसने जबरिया जलवा दिया? हमें दावे के साथ कह रहे हैं कि मेरी माँ की लाश वो जबरदस्तन गुंडई की वजह से डेड बॉडी को जलवा दिया। आज 6 दिन हो गया, 6 दिन में आपने फ़ोन करके पता नहीं किया कि FIR हुई कि नहीं? 6 दिन में हम 3 बार हॉस्पिटल में गए, तीनों बार पवित्र मौर्या ने पुलिस को बुलाकर हम लोगों को भिजवा दिया घर और कहा कि हम कागज़ कल दिलवा देंगे। कागज़ भी नहीं आया। गुंडई जय बार गए तय बार पुलिस को बुला देता था।